मोती के ग्राम हीरापुर में अज्ञात कारणों के चलते खड़ी फसल में आग लग गई, लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार खेत मालिक ने बताया कि वो दूसरे खेत पर गेहूं काट रहा था, तभी इसके एक और खेत में जो कि गेहूं का खेत था, उस खेत में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई, जिसकी जानकारी वहीं के पड़ोस के खेत में फसल काट रहे लोगों ने किसान को दी, जिसके बाद किसान तुरंत अपने खेत पर पहुंचा, पर जब तक खेत बहुत जल चुका था। और फिर फायर ब्रिगेड को फोन लगाया गया, लेकिन समय पर फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची और फिर गांव वालों के साथ मिलकर किसान ने खेत में लगी आग पर काबू किया। जब फायर ब्रिगेड आई और आग को बुझाने में लग गई, जिसके बाद 100 नंबर भी आई और अपनी लिखा पढ़ी कर चली गई, और ग्राम हीरापुर के सरपंच भी आए, वो भी पंचनामा बनाकर चल दिए। आखिरकार किसान की किसी ने मदद नहीं की, किसान मदद की गुहार लगाता रहा कि मेरी मदद करो सरपंच साहब। आइए देखते हैं लाइव कैसे ये पूरी घटना हुई। रामचरण लोधी कहाँ के हो? हमीरपुर आगे। अच्छा, हमीरपुर आगे रहने वाले हो। आपके साथ क्या घटना हुई है? आग लग गई सर खेत में। क्या का खेत था? गेहूँ का। अच्छा, गेहूँ का खेत था। क्या नुकसान हुआ है? आग लग गई, जल गए गेहूँ सर। कितना नुकसान हुआ है? आप देख लो साहब, आप ही सब 8-10 बीघा में खेती है, 10-8 बीघा। अच्छा, 8-10 बीघा खेत था। तो इसमें आपको पता कैसे चला कि आपको यहाँ आग लग गई है? सर, हम दूसरे कुआ पर काम कर रहे थे, आग लगी दिखाने आदमी चिल्लाने फोन मोन लगा के आग लग गई आपके खेत में, हम दौड़े, सब लोग दौड़े मतलब। अच्छा, बिजलियाँ काट रहे थे। तो आप लोगों ने बुझाई है क्या? कोई बाहर से प्रशासन कोई आया है बुझाने वाला? पहले हमने गाँव वाले ने बुझाई, फिर बाद में 2 मशीनें आई थी। अच्छा, 2 फायर ब्रिगेड भी आएंगे? मतलब मशीनें भी लेट हो गई आने में? मशीनें तो आ गई, लेकिन जब तक बुझाने के बाद मशीनें आई हैं, जो आग काबू में हो गई इसके बाद मशीनें आई हैं। अब आवे में तो टाइम लगता ही। तो कोई प्रशासनिक मामला आया है आपके लिए, कोई बताने के लिए, कुछ मुआवजे मुआवजे के लिए, जानकारी लेने के लिए? कोई नहीं आया प्रशासन में, कोई बड़ा अधिकारी कोई नहीं आया, सरपंच आए थे। अच्छा, तो सरपंच साहब ने क्या बताया आपके लिए? हमने अभी कुछ नहीं बताया, बस एक पंचनामा बना के लिए गए, उसके बाद और कुछ करवाई बुझेंगे बोल रहे हैं। अच्छा, तो सरपंच साहब भी कुछ नहीं बोल के गए आपसे? नहीं, कुछ नहीं बोल के बोले, पंचनामा बना लेगा। चलो ठीक।